हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बीबी? क्या तबीयत खराब है तेरी? आवाज बंद हुई हुई है, क्यों? आवाज खुल गई? अच्छा, बाकी बता। अच्छा हाँ यार, ये मेरा भी कल हुआ हुआ था गला खराब, तो खैर बाकी बता। बस अलहमदुल्ला, मेरी क्लास है अभी, तो मैं तुझे जब वो ड्राइव कर रहा था उस वक्त कॉल कर रहा था, तो मैं फ्री हो गया तुझे कॉल। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हाँ हाँ बस 10,000, 10,000, 10,000। हाँ चल, मैं बात करता हूँ तुझसे ना। हाँ बस वो यार, एक मशवरा करना था, तो मैं बात करता हूँ अभी। अभी क्लास है ना, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है? अबे नहीं यार, यूँ ही करते हैं इंशाल्लाह, इस पर भी करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, हाफिज़। अच्छा जी, तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम लोग बताओ, सब सेट है? एक मिनट, रुको 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 रुको, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ ज्यादती हो गई है क्या? वो भाई कैसी ज्यादती हो गई है मोहम्मद? तेरे साथ क्या हो गया? क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ मेरी जान? वालेकुम अस्सलाम जुहैर, ज्यादती क्या हुई है मोहम्मद तेरे साथ? सर 15 जुलाई तक इंस्टीट्यूशन में सर लटकाना है फेंकने से, बस सर लटकना है पंखे से बस। क्यों? वो पंखा है ना जिससे लटकना है हमजा, कुछ और तो नहीं है? सर सारे बोर्ड्स के पेपर कैंसिल हो गए। जुहेर कोई बदमाशी तो नहीं यार? ये जुहेर तेरे अब्बा कहाँ से आ गए? जुहेर के अब्बू के नाम से भी कोई पार्टिसिपेंट आ रहा है? सर पंखा भी छोटी चीज लग रही है, एफसी जून में अटेम्प्ट होगा। हाँ, होगा भाई, होगा। सर आई हैव कंप्लीटेड, ईमेल पर सेंड कर दी। जबरदस्त, बहुत अच्छे जो, अप्रिशिएबल, दैट सो अप्रिशिएबल। अच्छा यार, सर हमारे भी कैंसिल हो जाए? नहीं यार, ऐसे नहीं करो, तुम लोगों के कैंसिल जो है क्यों भाई, वक्त पर ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। कैंसिल क्यों? सर जो कुछ भी करना आप मुझे बताइएगा, इसको सीधा कर दूंगा। अच्छा जी, चलो ओके, जोहर के अब्बू ओके। और बताओ, तुम लोग सब सही है? मेरे ख्याल से सबने ज्वाइन किया है या नहीं किया है? एक मिनट रुको यार, वो जरा दूसरा लैपटॉप आ जाए ना, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब्दुल्ला राशिद कैसा है मेरे भाई? हमजा सही, अल्लाह का शुक्र। मुर्शिद की वीडियो देख ली? सैयद मोहम्मद? नहीं यार, मुर्शिद की वीडियो नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिला है यार। सर होमवर्क अभी तो सेंड? नहीं, वो संडे तक टाइम था। अलहमदा सर, मैं भी ठीक अलहमदुल्ला यार, बस गला थोड़ा खराब है। सर आपकी दुआएं, अलहमदुल्ला ओके, जबरदस्त अब्दुल्ला। नहीं, बेटा नेक्स्ट संडे नहीं, नेक्स्ट संडे तो सेकंड असाइनमेंट सबमिट करवाना है ना, इस संडे तो पहला असाइनमेंट है। बस एक मिनट और इंतजार करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया तो ईमेल कर दो। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सर पीएम का नोटिफिकेशन नहीं देखा? पीएम का नोटिफिकेशन क्या है, मुझे नहीं पता। मोहम्मद उमर मुझे भेजना, व्हाट्सएप करना, पीएम का क्या नोटिफिकेशन है। सर 15 जुलाई, 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया, पता नहीं यार, खैर अल्लाह आसानी करे यार। अच्छा यार,
अरे सर यार दूसरे लैपटॉप में थिंग नहीं यार, उसी की बात फिलिंग कर रहा इससे कनेक्ट कर देना, हूँ। कोई मसला नहीं, मैंने कनेक्ट कर लिया था। यार एक बहुत अच्छा सवाल आया है सर, कैफ के साथ बीकॉम करना जरूरी है? कहाँ चली गई? तो सेटिंग करता है ना, वो कैसे करता है? अरे हाँ मैंने म्यूट की हुई है, 1 मिनट रुको, मैंने म्यूट की हुई है, म्यूट की हुई है, 1 मिनट रुको। आवाज क्लियरली आ रही है? मुझे एक बात बताओ, आवाज क्लियरली आ रही है नहीं आ रही है, वरना मैं वीडियो जो है वो जो ऑफ कर दूं। सही है, ठीक है। अच्छा सर एक पास पेपर्स हैं,
दो तीन पास्ट पेपर्स हैं बल्कि, अब उसको हम लोग देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं तुम लोगों से। स्क्रीन नहीं आ रही, रुको। अच्छा सर, ये तुम्हारा 2014 में एक सवाल आया था, ये तकरीबन 8, 7, 15, 15 और 5, 20 मार्क्स का आया था, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जनरल जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस के हवाले से है। जी बेटा सॉल्व करेंगे ना बेटा, सही है। पेज नंबर 44 सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसका जनरल जनरल बनाओगे, फिर लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, शाबाश। ये सितंबर 2014 में सवाल आया था, ऑटम 2014 में। आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, शाबाश। सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे, मुझे मैसेज करके कंफर्म करो, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे ये क्वेश्चन तुम लोग। चलो शाबाश। सब सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑटम 2014 का क्वेश्चन है, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रिलीजियसली, ठीक है। देन वी शैल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, जनरल एंट्रीज बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। बेटा तीनों चीजें बनानी है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 8, आतिक क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। सॉल्व कर रहे हैं सब, शाबाश।
जुहेर इरफान बेटा तुझे कौन सा कीड़ा काट रहा है बेटा? ये बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों हो रहा है? थ्री जुलाई में कितनी की होगी सैयद मोहम्मद? बेटा इसी के ही तो पैसे हैं, यही तो सोचना है आपने। सारा तुम्हारा सवाल क्या है? अरे हाँ यार, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जो है वो एक जो है वो क्या कहते हैं, ये एक लोगों में एम्बिग्युइटी भी है या, एक मिनट रुको, हाँ लोगों में अच्छा यार, एक पार्टिसिपेंट का सवाल था कि सर हम लोग सीए के साथ बीकॉम करना जरूरी है या नहीं है? ये जब तक तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर सीए के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक चीज तो समझो तुम लोग कि सीए इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ सर्टिफिकेशन आई वुड से। तो पहले ये चीज अपने दिमाग में से निकाल लो कि भाई एमबीए की तरह, पीएचडी की तरह, एमफिल्स की तरह या बीबीए की तरह सीए इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो कुछ ममालिक में मानी भी नहीं जाती है, ठीक है। तो याद रखो, पहले तो अपने दिमाग में बिठा लो कि सीए इज अ सर्टिफिकेशन नॉट अ डिग्री। बाजू का बोलते हैं ना, हमारे पास सीए की डिग्री है, गलत बोलते हैं। और सीए किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं होता सीए। ये एक एपेक्स बॉडी है आईकैप, जो बेसिकली स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत बनी है, उसके तहत बेसिकली वो सीए करवाता है पाकिस्तान में। अच्छा सर, अब रही बात कि क्या सीए के साथ बीकॉम करें या नहीं करें। देखो यार, मैं तो सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद ने भी बीकॉम करा है, ठीक है, मैं तो बिल्कुल आई वुड हाईली रिकमेंड। रीजन बीइंग कि देखो इंसान जो है ना अपने रिस्क को हेज करता है। देखो हर बंदा सीए के लिए नहीं बना है, अगर तमाम लोग सीए करने के लिए बने होते तो फिर इनको नौकरी देने वाला कौन होता। तो एक चीज तो याद रख लो कि अपने रिस्क को हेज करने के लिए जरूरी है कि तुम साथ में बीकॉम करो, ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बार बार अल्लाह ना करे इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी काली जबान के भाई जो है, या मैं ये बोलूंगा मेरे मुंह में खाक के, अगर तुम लोग पास ना हो, सही है। तो मगर अगेन 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 एक रिस्क होता है कि यार सी अल्लाह ना करे अगर नहीं होता तो तुम्हारे पास बैकअप पर कोई डिग्री तो होगी बीकॉम। जैसे अगर तुम कुछ ममालिक में जाते हो बाहर, तो सीए नहीं माना जाता, तुम्हें दो तीन पेपर्स देने पड़ते हैं फॉर बेसिकली ऑब्टेन और अटेन एनी अदर सर्टिफिकेशन इन दैट स्पेसिफिक कंट्री, तो वहां तुम्हारा बीकॉम काम आता है, सही है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, बल्कि आई वुड से कि तुम लोग लाजमी करो बीकॉम, ठीक है। अब सर बीकॉम कब करें, फर्म में जाने के बाद करें, अभी से करें? यार इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। तुम चाहो तो फर्म में जाने के बाद भी कर सकते हो, तुम्हारे पास 3.5 साल होंगे, तुम चाहो तो तुम अभी भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। सर आपने कब किया था? यार देखो मेरी अलहमदुल्ला आइडियल कंडीशन थी, तो मैंने जो है फौरन साथ ही कर लिया था, यानी जब मैं मॉड्यूल ए बी सी डी कर रहा था तो उसी वक्त मैंने एडमिशन ले लिया था, तो बीकॉम पार्ट वन जब मैं दे रहा था उस वक्त मेरा मॉड्यूल डी हो चुका था, और जब मैं बीकॉम पार्ट टू में गया उस वक्त फॉर्म में था, ठीक है। तो आई होप सायरा योर क्यूरी हैज बीन आंसर्ड। सब प्राइवेट करें, रेगुलर करें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। 30 जुलाई की बताएं, 90,000 को बिग फोर का बताएं, बिग फोर का क्या बताऊं? फरिया 30 जुलाई की बताएं, 90,000 को एज एडवांस ले लें, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी। नहीं मैंने रेगुलर किया था मोहम्मद, मैंने रेगुलर किया था, वो अलग बात है कि मैं 2 सालों के अंदर सिर्फ 4 दफा गया था।
एक दफा एनरोलमेंट कार्ड लेने के लिए गया था, एक दफा एडमिट कार्ड लेने के लिए गया था, एक दफा वो रिजल्ट शीट लेने के लिए गया था। सैयद मोहम्मद, मैं तुम्हें बोलूंगा अभी फिलहाल जो है ना, अपने आगे का सोच कर ना, अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करो। बस मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ कि सुकून से पेपर निकालो, तुम्हारा फॉर्म में आराम से हो जाएगा। नो नीड टू बी बोदर्ड अबाउट बिग फोर ने लोवेस्ट फोर, नो नीड टू बोदर्ड अबाउट दैट। वो उधर जाके थोड़ी देते हैं, कॉलेज में जाके थोड़ी देते हैं, वो तो यूनिवर्सिटी में पेपर्स होते हैं ना। प्रिया तुम्हारा सवाल, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ऑन 3 जुलाई वाज रेंटेड, 3 जुलाई वाज रेंटेड आउट फ्रॉम 1 अगस्त 2014 एज अ मंथली रेंट ऑफ मंथली रेंट ऑफ 30,000, अ 3 मंथ एडवांस वाज रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, दैट्स अनअर्नड फरिया, अनअर्नड है ये। अनर्न्ड है, अनर्न्ड, ठीक है फरिया। फरिया तुम कॉमर्स की हो साइंस की हो? मोहम्मद ई बाई से किया था, ई बाई फोर रोड्स। अच्छा अनर्न्ड, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा था ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हें अनर्न्ड का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। देखो यार, कोई चीज अगर तुम्हें एडवांस में मिल जाती है मगर तुमने अपने हिस्से का काम नहीं करा होता ना, तो वो कहलाता है अनर्न्ड। अनर्न्ड इज योर लाइबिलिटी, ठीक है फरिया। तो तुम्हें कैश मिला, कैश डेबिट, अनर्न्ड लाइबिलिटी, अनर्न्ड इनकम क्रेडिट। जी जी डन, मूविंग टू जीएल, जबरदस्त अब्दुल्ला, फुल चीता जा रहा है माशाल्लाह। फरिया बेटा क्लियर है या नहीं है, कंफर्म करो मुझे। कैश डेबिट, अनर्न्ड इनकम क्रेडिट, ये माशाल्लाह 3 4 बच्चे हो गए। वैसे तो सभी तेज बच्चे हैं मगर 2 3 बच्चे जो है ना, एक तो ये फरीहा हो गई माशाल्लाह, एक ये अब्दुल्ला हो गया, एक शुएब हो गया, ये काफी बड़े तेज बच्चे हैं। मोहम्मद भी हो गया जैसे, जो बड़ा, वैसे तो सभी तेज हैं मगर ये कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह जो है बड़े एक्टिव होते हैं। तुम लोग सॉल्व करो ठीक है। जबरदस्त मोहम्मद अमार, दैट्स सो अप्रिशिएबल। ये तुम्हारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2014 में।
सैयदा का हो गया है, जबरदस्त सैयदा। सर 30 जुलाई में रेंट इनकम क्रेडिट एंड कैश डेबिट होगा? नहीं, कैश डेबिट, अनअर्न इनकम क्रेडिट, अनअर्न रेंट क्रेडिट। सर 3 जुलाई एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अ प्रॉपर्टी वाज परचेज द कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। रक्षा जबरदस्त, रक्षा भी माशाल्लाह फुल जीती हो गई है। यार लड़कों तुम लोग कहाँ गायब हो, किसी लड़के ने नहीं किया, सिर्फ एक मोहम्मद ने किया है। जुहेर जबरदस्त। A property was purchased at a cost of rupees 10 million, of which 7.2 million was considered as applicable to the land and 2.2 to the building. The transaction involved cash payment of 3 million and the issuance of note payable for the balance amount, rent and income. नहीं, लिख सकते बेटा, नहीं लिख सकते। अब्दुल्ला जबरदस्त, अप्रिशिएबल। बाकी लड़के कहाँ हो तुम लोग? जबरदस्त अभिया, दैट्स सो अप्रिशिएबल, बहुत अच्छे हो गया। सैयद मोहम्मद जबरदस्त, फाइक बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड कि तुम लोग एफर्ट डाल रहे हो। जोहा बहुत अच्छे, सैयद जबरदस्त। क्या तुम लोग चाहते हो इसको मैं करवाऊं? एटलीस्ट मेरे ख्याल से जनरल जनरल हम लोगों को कर लेना चाहिए ना, क्या बोलते हो? जनरल जनरल कर लें? आयशा जबरदस्त, जनरल जनरल कर लें। सही है, ठीक है। अच्छा सर आ जाओ, जनरल जनरल कर लेते हैं। आई कैप सर अजान हो रही है, ओके खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। थैंक यू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अजान हो जाए तो बता देना। चलो अच्छी बात है मोहम्मद, अच्छी बात है, तुम लोगों का दिमाग तो चला। अजान हो गई,
चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोलता है रिक्वायर्ड, हमेशा याद रखो, मैं तुम लोगों को ये बहुत सोने की बात बता रहा हूँ, हमेशा यू नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि रिक्वायरमेंट में बोला क्या गया है। एक मिनट यार, ये कॉल में अटेंड कर लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। यस, दिस इज हसन मारखानी स्पीकिंग। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ओके, जवेरिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली आई एम इन अ सेशन राइट नाउ ना, सो इफ यू कैन कॉल लाइक आफ्टर अफ्तार सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। ओके 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 अच्छा सर, मेरे साथ रहेंगे? कैपिटल कहाँ से आया सर? उसने तो कैश डिपॉजिट करवाया, तो बेटा कैश कहाँ से आया होगा खुरम बेटा? अच्छा, मैं पहले सवाल को, खुरम एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं जो है, मैं इस सवाल को जरा सा बात कर लूँ, फिर उसके ऊपर एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं आता हूँ। अच्छा सर, जो है रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमेशा याद रखना, सवाल में तुम रिक्वायरमेंट को जरूर पढ़ना। रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे तो सो यू विल हैव एन आइडिया कि उस सवाल में कहा क्या गया है, हमें करना क्या। देखो आईकेप की एक नेचर समझो, तुम्हें पता है आईकेप में फेल होने का सबसे ज्यादा वन ऑफ द रीजन है कि आईकेप बातें नोट की करेगा और पूछेगा तुमसे साउथ का क्या, अच्छा बताओ साउथ में क्या, या तुमसे ईस्ट की बातें कर रहा होगा सवाल में, वो पूछेगा तुम्हें बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाएगा, मगर एंड में पता नहीं कुछ और ही चीज पूछ रहा होगा। तो एक चीज याद रखो, आईकेप की ना सिचुएशन समझो, आईकेप का सिनेरियो समझो। आईकेप में ना वो थोड़ा सा डोज देने की कोशिश करता है, वो तुम्हें थोड़ा सा ब्लफ करेगा। मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं वाहिद टीचर हूं जो शायद एक वक्त में 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, जिससे मैंने ऑडिट भी पढ़ाया है, मैंने मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ाया है, मैंने कंपनी लॉ भी पढ़ाया है, मैंने इंट्रो भी अकाउंटिंग तो पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने FR1 भी पढ़ाया है, FR2 भी पढ़ाया है, बस 2-3 सब्जेक्ट होंगे कॉस्टिंग, इको इको मेरा खुद का एग्जाम था तो आता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने सब के सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से जो है मैं फिर हटता गया। तो यार, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ जो है ना वो एक काफी ज्यादा इंटरेक्शन रहा है, मैं खुद भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व भी रहता हूँ, एक दो प्रोफेशनल बॉडीज के साथ मैं एज एन एग्जामिनर भी जो है, या एज अ चेकर एसोसिएटेड हूँ, या एज अ रिव्यूअर एसोसिएटेड हूँ कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के साथ, तो मुझे आइडिया है कि हर प्रोफेशनल बॉडी का ना कोई नेचर होता है या कैच होता है। तो आईकेप में एक जो सबसे बड़ा कैच है वो ये है कि वो सवाल में कुछ और पूछ रहा होगा और रिक्वायरमेंट में कुछ और पूछेगा नॉर्मली, या सवाल में वो रिलेवेंट बात भी करेगा इरेलेवेंट बात भी करेगा। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर इंटेलिजेंस दैट हाउ यू बेसिकली इन्फर दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या तुम उस सवाल में जो रिलेवेंट चीज है वो कैसे पिक करते हो। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ लो। अगर तुमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अगर तुमने रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें स्कोप क्या है तुम्हारा, तुम्हें करना क्या है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना तुम्हें करना क्या है, तो तुम ऑटोमेटिकली जब वो कहानियां सुना रहा होगा ना एक एक का सवाल, तो तुम ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट चीजों को वॉश आउट कर रहे होगे, तुम्हारा ब्रेन जो है वो वॉश आउट कर रहा होगा। तो आज के बाद जब भी मैं सवाल दूं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिख के बताओ सब, सबसे पहले क्या पढ़ना है जब भी सवाल, बल्कि मैं भी सवाल करवा रहा हूं और मैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं करूं ना, मुझे रोक देना कि सर रिक्वायरमेंट पढ़े, पहले लिख के बताओ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। हाँ, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे न्यूमेरिकल्स पास होने का वन ऑफ द रीजन इज कि मैं हमेशा ना बड़ा टेक्टफुली इसको कैटर करता था। मैं तुम्हें बाकायदा टेक्निक्स भी बताऊंगा जो मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं तुम लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगा और तुम्हें बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, मूविंग ऑन, रिक्वायरमेंट पढ़ ली, हमें पता चल गया हमें जनरल जनरल बनाना है, लेजर लेजर अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, सही है। अब बोलता है, इन जुलाई 2014 अब्दुल्ला एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग वैन सर्विस टू प्राइवेट स्कूल्स इन द सिटी ऑफ गुजरात, द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ आर लिस्टेड बिलो। सर ये ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट जुलाई, अ बैंक अकाउंट वाज ओपन विद अ कैश डिपॉजिट ऑफ 20 मिलियन। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, ये कैश कहाँ से लेकर आया होगा, बिजनेस तो अभी शुरू किया है, कैश कहाँ से लेकर आया होगा? अरे भाई, बिजनेस अभी शुरू किया है तो कैश कहाँ से लाया होगा बताओ ना, लिख के बताओ कैश कहाँ से लाया, घर से लाया होगा, घर से लाया होगा, अपनी पॉकेट से लाया होगा। खुरम बेटा पता चल गया कैश कहाँ से लाया है, और जो चीज अपने घर से लेकर आता है वो क्या होता है, कैपिटल। वो अलग बात है कि उसने कैश में फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट।
अगर खुरम बेटा आपको आपको खुरम सर नहीं केश तो लाया है ना, केश तो लाया है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। खुरम की खातिर मैं इस एंट्री को देखो कैसे बनाता हूँ, खुरम तुम्हारी मोहब्बत में। बेटा देखो पहले कैश लाया, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, सही है खुरम बेटा 20 मिलियन से, सिर्फ खुरम की मोहब्बत में मैं बता रहा हूँ, सही है। और इसी कैश को उठा के बैंक में घुसेड़ दिया, तो बैंक डेबिट कैश, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से सर 20 मिलियन से, सही है। खुरम बेटा मेरे साथ रहना बेटा, ये वाले कैश को, इन दोनों एंट्रीज को जरा क्लब करो, इन दोनों एंट्रीज को क्लब करो। खुरम बेटा, खुरम आप मेरे साथ हो ना, रुको मुझे जरा पेन निकालने दो। खुरम मेरी जान, देखो बेटा कैश पहले डेबिट हो रहा है फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, क्या दोनों को नेट करो तो बेटा यही एंट्री नहीं बनती बेटा। खुरम बेटा खुश हो, समझ में आ गया, खुरम समझ में आ गया, देखो बेटा अगर तुम बोलते हो कि बैंक में कैश जमा करवाया है तो पहले कैश डेबिट कर दो फिर कैपिटल क्रेडिट कर दो, फिर बैंक में जमा करवाया बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, जब इन दोनों एंट्रीज को नेट ऑफ करो तो यही तो बनता है बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सही है। तो अभी इस एंट्री को मैं रब कर रहा हूं, सही है। अच्छा सर इसके बाद है 3 जुलाई को अ प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन ऑफ व्हिच 7.2 मिलियन वाज कंसीडर्ड एज एप्लीकेबल टू द लैंड एंड रुपीज 2.8 मिलियन टू द बिल्डिंग। अच्छा तुम्हें पता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम करते हैं ना, प्रॉपर्टी में दो चीजें आती हैं, याद रखो कभी भी तुम बोलते हो ना प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये लोगों को नहीं पता होती। अच्छा प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है लिख के बताओ, तुम लोग से पूछता हूँ, बताओ प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है लिख के बताओ, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है, जमीन लैंड और क्या आता है, बिल्डिंग और लैंड प्लस होम शॉप और शॉप लैंड कंस्ट्रक्शन और बताओ, लैंड बिल्डिंग कार बिजनेस ओके ऑफिस कंपनी और बताओ यार, तुम लोग इतने माटे क्यों हो गए हो बेटा, लिख के बताओ ना बेटा, फैक्ट्री बैंक अकाउंट गोल्ड लैंड शॉप बिल्डिंग कार और बताओ, स्विमिंग पूल सही है, गोल्ड सही है, एसेट्स प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, वेयर हाउसेस ओके सही है और बताओ, अच्छा सर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीजें आती हैं, 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 बिल्डिंग और लैंड, जमीन और बिल्डिंग, लिख लो अपने पास। इन अकाउंटिंग प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ टू आइटम्स लैंड प्लस बिल्डिंग, लिख लो अपने पास, सोने की बात बता रहा हूं, लिख लो अपने पास, आईकेप में भी सवाल आ सकता है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, दैट्स इट, प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीजें आती हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लिख लो अपने पास, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, सही है। अच्छा सर अब ये बोलता है हमने प्रॉपर्टी खरीदी है 10 मिलियन की, उसमें से 7.2 मिलियन की जमीन है और 2.8 मिलियन की बिल्डिंग है, उसमें से कैश में पेमेंट की। अब सर इसमें तो कैश लिखा हुआ है, कैश में तो हमने सर पेमेंट की, कैश तो है ही नहीं, तो बेटा कोई मसला नहीं है बैंक कर देना बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है बैंक कर देना। एंड द इश्यूएंस ऑफ नोट पेएबल फॉर द बैलेंस अमाउंट, सही है, बहुत गौर से सुनना सर, 3 जुलाई को एंट्री है लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, लैंड कितने का था सर 7.2 मिलियन का और बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग कितने की थी बताओ ना, 2.8 मिलियन सही है। अच्छा सर अब आपने बैंक की फॉर्म में पे करा है, बैंक से कितना पे करा है, बैंक से पे करा है 3 मिलियन और बाकी क्या है नोट पेएबल, सही है, ये कितना है
सेवन मिलियन। क्लियर है आप लोगों को? सर ये नोट पेएबल क्या होता है, नोट पेएबल क्या होता है ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो सर एक चीज याद रखो, नहीं नहीं बेटा बाइफरकेट करो, लैंड और बिल्डिंग में बाइफरकेट करो। अच्छा सर इधर मुतवज्जे, सर ये नोट पेएबल क्या होता है ये हमें समझ नहीं आया, नोट पेएबल क्या होता है? देखो याद रखो, अगर तो तुम्हारे पास अकाउंट और नोट में क्या फर्क होता है, अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल, नोट पेएबल और नोट रिसीवेबल में क्या फर्क होता है, बहुत गौर से सुनना। याद रखो अगर तुमने किसी से वर्बल कमिटमेंट की है या किसी ने तुमसे वर्बल कमिटमेंट की है तो वो कहलाता है अकाउंट। और अगर तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, तुम बोलते हो लिख के दे के तुझे इतना पैसा पे करना है, या किसी को तुम पर भरोसा नहीं है तो वो बोलता है लिख कर दो के तुम्हें इतना पे करना है, तो उसके लिए तुम क्या यूज करते हो, नोट या बिल पेएबल या नोट रिसीवेबल या नोट पेएबल। तो अगर तुमने किसी से उधार लिया है और वर्बल है, या किसी को उधार देना है और वर्बल है, तो क्या यूज करोगे, अकाउंट या अदर। और अगर तुमने किसी से उधार लिया है या उधार देना है और वो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा एग्रीमेंट बना हुआ है, तो क्या यूज करोगे, नोट पेएबल या नोट रिसीवेबल। क्लियर हो गया बेटा नोट का फर्क और अकाउंट का फर्क, नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल में फर्क पता चल गया। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वर्बल एग्रीमेंट है तो उसके लिए अकाउंट पेएबल या अदर पेएबल यूज होगा, और अगर इन राइटिंग है कोई एग्रीमेंट तो आप उसके लिए नोट पेएबल या बिल पेएबल यूज करोगे। क्लियर है सर? आप लोग मेरे साथ हैं, आगे बढ़े। नहीं नहीं बेटा अलग अलग लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते बेटा, अलग अलग लिखेंगे बेटा। एंट्री नंबर 5, 10 न्यू वैंस वर परचेज्ड फॉर एट 300,000 ईच। एक वैन 3 लाख की, तो 10 वैन है 3 मिलियन की। फ्रॉम सिटी शोरूम लाहौर अब्दुल्ला पेड 6 लाख इन कैश एंड एग्रीड टू पे 1 मिलियन बाय 31 जुलाई एंड द रिमेनिंग बैलेंस बाई 15 अगस्त। ओके फाइन इनफ। वैन को मैं क्या बोल सकता हूँ, मोटर व्हीकल बोल सकता हूँ जी बेटा? गलत होगा बेटा, सारा गलत होगा ना, क्योंकि कैश तो है ही नहीं ना, कैश तो है ही नहीं ना। क्या आएगा, मोटर व्हीकल? ना 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 बेटा, ना मनीष, ना मोहम्मद। एक दो तीन चार पांच छ कर सकते हो, मगर मोटर व्हीकल ज्यादा अच्छा है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ अदर पेएबल आएगा नोट पेएबल आएगा? जबरदस्त माशाल्लाह, चीते हो गए हो। क्लियर है? नहीं ना रक्षा, इन राइटिंग थोड़ी है ये। अच्छा एक चीज मैंने भंड मारा है, बंदे का नाम मैंने नहीं लिखा है। अदर पेएबल सिटी शोरूम, सिटी शोरूम, सही है। आगे बढ़े बोलो ना। हाँ हाँ वही है यार, अल्लाह के बंदे मोहम्मद। 7 जुलाई अपॉन इंस्पेक्शन अ वैन वॉज फाउंड टू बी, इसका बिजनेस थोड़ी करते हो तुम वैन का बिजनेस करते हो क्या? सर जुहेर का बहुत अच्छा सवाल है, सर अदर पेएबल क्यों किया, अकाउंट पेएबल क्यों नहीं किया? बेटा तुम वैन का बिजनेस तो नहीं करते ना, तुम क्या वैन खरीदो फरोख करते हो? नहीं, इस वजह से अदर पेएबल। सर कैश है ना, फिर भी एंट्री में कैश की बात कर रहा है, तो ये सर आईकेप का। हाँ बेटा गलती हो गई ना बेटा, आईकेप में भी जो पेपर बना रहे हैं वो इंसान है ना बेटा, शोएब रहमान, माफ कर दो बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, इंसान तो खता का पुतला है ना शोएब रहमान, बेटा माफ कर दो बेटा। अदर पेबल, हाँ बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सर 8 जुलाई ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट, नहीं नहीं हम लोग
सर 7 जुलाई की बात करते हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं सर, वो तो हमें माफ नहीं करते है। सही है, ठीक है। नहीं आईकेप, मैं तुम्हें बताऊं, बिल्कुल काफी बाजू का लीनियंट चेकिंग भी होती है। मैं तुम लोगों को कभी हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद बड़ा जो है वो इन चीज में जो है थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होता है, तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि बाजूकात तुम्हें बहुत ज्यादा फेवर्स मिल रही होती है। बल्कि तुम्हें एक मजे मजे की बात बताऊं कि बाजूकात लेस देन 50% पे भी तुम पास हो रहे होते हो। वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, कभी मैं बोर हो रहा हूँ ना या तुम लोग थक गए हो पढ़ के तो मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। अच्छा सर, 7 जुलाई अपॉन इंस्पेक्शन अ वैन वाज फाउंड टू बी डिफेक्टेड एंड वाज रिटर्न्ड टू सिटी शोरूम लाहौर। सर कितनी वैन्स, कितनी वैन, कितनी वैन? अभी एक बच्चे का सवाल आया था, यानी माशाल्लाह तुम इतने मासूम हो। एक बच्चा मुझे बोलता है सर इधर तो वैन का लिखा हुआ ही नहीं है, कितनी वैन है? अबे अल्लाह के बंदे, आ वैन का क्या मतलब होता है? एक गाड़ी, सही है। वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड वाज रिटर्न टू सिटी शोरूम, सही है सर। 7 जुलाई को एंट्री क्या लगाएंगे सर? अच्छा अब सर हम उससे पैसे मांगेंगे, यार जरा सोचो, यानी तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि उसको अदर पेएबल दिया हुआ और तुम बोलो नहीं नहीं अदर पेएबल उतना ही रहने दे, मेरे को मेरे पैसे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो तुम क्या डेबिट करोगे? तुम अदर पेएबल को डेबिट करोगे। कुछ बच्चों के दिमाग में कीड़ा आता है कि सर हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, तो अबे भाई अदर पेएबल खड़ा हुआ है, बैंक कैसे मांग लोगे तुम उससे कि भाई मेरा पेएबल रहने दे, मुझे मेरा कैश दे दे 3 लाख से। क्लियर है सर? आगे बढ़े सर। आओ सर, 8 जुलाई ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट ऑफ 2400। सही है, तो बहुत इजी एंट्री है, बच्चों वाली एंट्री है, बच्चों वाली एंट्री है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, क्लियर है बच्चों? आप लोग मेरे साथ हो? सवाल है बच्चों वाला। अच्छा 15, अब्दुल्ला साइंड एन एग्रीमेंट विद द पेट्रोल पंप फॉर द सप्लाई ऑफ सीएनजी ऑन क्रेडिट। एज पर एग्रीमेंट ही इशूड अ चेक ऑफ ₹15,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर याद रखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना वो तुम्हारा रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल है जो तुम्हें बाद में वापस मिल जाता है, सही है, याद रखो, लिख लो अपने पास, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिसीवेबल। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हें वापस मिल जाता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल डेबिट बैंक, ये तुम्हारा एसेट है हाँ, क्योंकि वापस मिलना है। अच्छा सर अगर वापस नहीं मिलना होता तो ये एक्सपेंस होता, सही है। आप लोग मेरे साथ हो? आप लोग मेरे साथ हो? 15 क्लियर है बेटा? नहीं बेटा नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना बेटा, आपने एग्रीमेंट किया है सीएनजी का और जो है आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया 15,000 का। याद रखो सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉर्मली रिफंडेबल होता है, ठीक है। अरे एक मिनट रुको यार, अच्छा सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर 30 जुलाई को बोलता है 25% ऑफ द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड होनी। याद है 3 जुलाई को हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी। वालेकुम सलाम वसीम जानू, लैपटॉप का चार्जर चार्ज खत्म हो रहा है, जरा चार्जर का अरेंज करवाना, लेकर आ जाओ ना, सही ओके। अच्छा यार सर 25% ऑफ द प्रॉपर्टी, सर इक्विपमेंट भी बैंक से पे कर, जी बिल्कुल 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 सर, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ऑन 3 जुलाई वॉज रेंटेड आउट फ्रॉम 1st August 2014 एट अ मंथली रेंट ऑफ 30,000, अ 3 month एडवांस वॉज रिसीव फ्रॉम द टेनेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इनकम कब बुक करते हो? तुम किसी भी चीज को इनकम कब बोलोगे? जब तुम्हारा उसके ऊपर हक हो, ऐसा है या नहीं है? किसी भी चीज को इनकम तुम कब बोलोगे? जब तुम्हारा उसके ऊपर हक हो, ऐसा ही है ना।
अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पर तुम नहीं 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 रिसीव नहीं, अगर किसी चीज को तुमने रिसीव कर लिया होगा तुम्हारा हक नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। याद रखो तुम इनकम उस वक्त तक बुक नहीं करते जब तक के तुम्हारा हक एस्टेब्लिश नहीं हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें एडवांस में पैसे मिल जाते हैं मतलब तुम्हारा हक एस्टेब्लिश नहीं होता तो वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है, अनर्न्ड। अनर्न्ड का मतलब होता है कि तुम्हें मिल तो गया है मगर तुम हकदार नहीं हो। तो यहां मैंने एडवांस में रेंट ले लिया है अगले 3 महीनों का, तो आज आज जब मुझे पैसे मिल रहे हैं, आज जब मुझे पैसे मिल रहे हैं, आज जब मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं बैंक तो डेबिट करूंगा, मैं क्रेडिट क्या करूंगा, मैं अनर्न रेंट क्रेडिट करूंगा। ये मेरी इनकम नहीं है क्योंकि मुझे एडवांस में पैसा मिला है। तो मैं 30 जुलाई को एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक डेबिट। अनर्न रेंट क्रेडिट कितने से सर, 1 महीने का 30,000 तो 3 महीनों का कितना होगा, 90,000। तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, बैंक डेबिट अनर्न रेंट क्रेडिट अपने पास लिख लो। अगर तुम्हें कोई चीज एडवांस में मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी होती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मकसद लाइबिलिटी होगी। मोहम्मद अहमद मुझे बताओ क्या तुमने सर्विसेज दी है, नहीं दी ना, मगर मतलब तुम हकदार नहीं हो अभी, नहीं दी ना, तो जब तुम हकदार हो गए उस वक्त इनकम बुक करना, मगर आज तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो सर आप क्या, नहीं नहीं बेटा प्रीपेड सायरा मेरा बच्चा, प्रीपेड तो उस वक्त होता है जब तुम दे रहे होते हो, ये तो तुम्हें मिल रहा है यार। क्या हो गया सायरा, ये तो तुम्हें मिल रहा है ना, प्रीपेड तो उस वक्त होता है जब तुम दे देते एडवांस में, ये तो तुम्हें मिल रहा है ना। अल्लाह के बंदे वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है, 25% तो हमारा है ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। मोहम्मद अहमद ये अंग्रेजी का मसला है तुम्हारा, ये बोलता है 25% ऑफ द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन 3, ये बता रहा है कि जो हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी ना वो सिर्फ 25% थी, उसको छोड़ो हमें तो रेंट से ताल्लुक है ना कि हमें एडवांस में रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आईकेएफ का देखो यही हरकत है मोहम्मद अहमद, जैसे तुम इधर घूम गए ना, अनर्न्ड इनकम स्लैश रेंट, अनर्न्ड इनकम स्लैश रेंट, हाँ सेम ही हुए बिल्कुल। अच्छा इसके बाद 31 जुलाई बोलता है चेक फॉर ₹1 मिलियन वॉज इश्यूड टू सिटी शोरूम लाहौर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद अहमद सर लेकिन हमने तो कोई चीज रेंट पे दी ही नहीं है। मोहम्मद अहमद यार बच्चों बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आओ आओ सवाल पढ़ते हैं। मोहम्मद अहमद कोई मसले वाली बात नहीं, आओ हम वापस पढ़ते हैं तुम्हारी मोहब्बत में। आओ मोहम्मद अहमद बेटा हमारे साथ हो बेटा, जी बेटा पढ़ते हैं बेटा, आओ अंग्रेजी को उर्दू में। 25% ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड, नहीं 25% ऑफ द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ऑन 3 जुलाई, बोलता है हमने प्रॉपर्टी अक्वायर की थी ना 3 जुलाई को, उसका 25% हिस्सा। अब हम 3 जुलाई के ऊपर जाएंगे, हाँ 3 जुलाई पे एक प्रॉपर्टी तो अक्वायर की थी, बिल्डिंग और जमीन। हाँ मोहम्मद अहमद बेटा यहाँ तक हो आप हमारे साथ, आगे पढ़ते हैं। Was rented out from 1st August. अच्छा मोहम्मद अहमद बेटा was rented का क्या मतलब होता है, कि हमने किराए पे दी from 1st August, मगर August से दी at a monthly rent of 30,000, 30,000 के monthly rent पे, a 3 month advance was received from the tenant, 3 महीनों का advance मिल गया। मोहम्मद अहमद बेटा आप समझ में आ गया कि क्या चीज दी थी, मोहम्मद अहमद बेटा प्रॉपर्टी दी थी ना बेटा, कुछ और तो नहीं दिया था ना मोहम्मद अहमद। प्रॉपर्टी दी थी माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अहमद को समझ में आ सही है सही नहीं सर रमजान चलो चलो सही है ठीक है। यार देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों के लिए जब इतने बड़े लेवल से एक नीचे आ रहा होता हूँ ना, तो मैं जाहिर सी बात है मैं तुम लोगों को डांट तो नहीं सकता तुम लोगों का हक है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तुम लोगों के साथ तफरी कर कर करके जो है वो तुम्हें पढ़ाया करूँ। अच्छा सर नहीं ये सवाल तो कम्प्लीट करने दो यार। 31 जुलाई चेक फॉर ₹1 मिलियन वॉज इश्यूड टू सिटी शोरूम लाहौर। सर 31 जुलाई को जो है वो हमने याद है सिटी शोरूम को हम लोगों ने पे करना था, तो हमने कितना पे कर दिया, 1 मिलियन पे कर दिया।
अदर पेएबल सिटी शोरूम डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। अल्लाह सर कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े, कोई पसूरी, कोई फतूर, उनसे बात करो। अल्लाह का शुक्र है वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। हाँ उसामा बेटा बोलो बेटा। उसामा सर 3 जुलाई, 3 जुलाई बेटा, 3 जुलाई में क्या है? प्रॉपर्टी है ना, जमीन और बिल्डिंग खरीदी है। बोलता है प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें से जमीन जो थी वो 7.2 मिलियन की थी और बिल्डिंग 2.8 मिलियन की थी। इसमें मसला क्या है? प्रीमिसेस नहीं बेटा, तोड़ के लिखो। तुम लिख सकते हो मगर अभी नहीं, अभी फिलहाल तोड़ के लिखो। उसामा बेटा वापिस कॉपी पेस्ट कर लो ना बेटा। हाँ तो ऑफिस अकेमेंट बैंक से ही किया है ना अल्लाह के बंदे। अच्छा बैंक सही है। बिल्कुल मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अहमद। नमाज का ब्रेक ले लें, नमाज का ब्रेक ले लें। चलो आ जाओ 15 मिनट में, आ जाओ 15 मिनट में, फिर मुलाकात करते हैं। आ जाओ आ जाओ 15 मिनट में मुलाकात करते हैं।
जी वंस अगेन खुश आमदीद। आवाज आ रही है तुम लोगों को? संडे की क्लास का रिकॉर्ड लेक्चर सर ग्रुप पे सेंड कर दें, मैं कर दूंगा। मैंने क्लास नहीं ली थी, नेट इश्यूज थे यहाँ, ठीक है मैं कर दूंगा। आवाज आ रही है तुम लोगों को, ये बताओ क्लियर आ रही है आवाज? चलो सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसका लेजर और ट्रायल बैलेंस बना लोगे या मैं बना दूं? लेजर और ट्रायल बैलेंस बना लोगे या मैं बना दूं? बना लोगे सर, मैनेज कर लोगे? अब सही है रक्षा, आवाज आ रही है अब? चलो अच्छी बात है, दैट्स अप्रिशिएबल। सर आओ, एक नया कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन। यार जोहा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्रेडिटर और डेटर लिखना, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप अदर पेबल और अदर रिसीवेबल लिखो। अच्छा सर आए हम लोग बात करते हैं। अच्छा आज कौन सी क्लास है ये तो बताओ, क्लास कौन सी है आज? अरे स्क्रीन शेयर कर दूं मैं, एक मिनट रुको। सही है 13th या 14th है ये बताओ, क्लास 3 है क्लास 4 है ये बताओ? ओ 13 क्लास है 14 क्लास है, चलो जो भी है मैं 14th डाल रहा हूँ, सही है 14 क्लास है आज। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा ये कॉपी भी कर रहे हो ना साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन, सही है? सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आओ मेरे साथ रहेंगे। आवाज क्लियर है अब? आवाज का तो मसला नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सोने का कॉन्सेप्ट है, सभी इधर मुतवज्जे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तमाम बच्चों से दरखास्त है इधर मुतवज्जे हो। अच्छा सर एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, तुम्हारा बिजनेसमैन जो है वो किस चीज का है? तुम्हारा जब तुम बिजनेस करते हो तो एज अ बिजनेसमैन विद विच थिंग यू आर कंसर्न अबाउट, आपका कंसर्न क्या होता है? प्रॉफिट, एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ ये मार्कर है मेरे हाथ में नजर आ रहा है, मार्कर मेरे हाथ में नजर आ रहा है, मार्कर ये नजर आ रहा है मार्कर? हाँ, अब लेट्स से मैं बोलता हूँ ये मार्कर है, ये मुझे पड़ा है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपया। अब देखो बीइंग अ बिजनेसमैन आई वुड ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट कि मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो जितने का भी, एक्सेप्ट होंगी 5 रुपए का, तो मेरी जेब में कितना जाएगा? मेरी जेब में जाएगा 15 रुपया सेलिंग प्राइस। 10 रुपए की चीज है, 5 रुपए के प्रॉफिट पे बेचता हूं, मेरी जेब में कितना जाएगा? 15 रुपया। कुछ माठे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर 5 रुपया, अल्लाह के बंदे प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों रिकवर करेंगे ना, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रिकवर करते हैं जब भी माल बेचते हैं, तो मेरे साथ हो या नहीं हो? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बिजनेसमैन इज ओनली कंसर्न अबाउट, बिजनेसमैन इज ओनली कंसर्न अबाउट कि यार उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपया 10 रुपया, वो मार्कअप मार्जिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम लोग बीइंग एन अकाउंटेंट ना, हम लोग आते हैं, अब देखो मार्कअप और मार्जिन में फर्क क्या है, ये 5 रुपया नजर आ रहा है तुम्हें, 5 रुपया, ये 5 रुपया नजर आ रहा है 5 रुपया, अगर तो इस पांच रुपए को मैं शो करूं एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मार्कअप। यानी 5 रुपए का प्रॉफिट है, 10 रुपए की कॉस्ट है, सही है? परसेंटेज में शो करूं तो ये कितना आता है? 50%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में शो करूं तो 1/2, और अगर इसको मैं डेसिबल में शो करूं तो 0.5। तो तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? अगर तो तुम इस 5 रुपए को प्रॉफिट शो करते हो, इस 5 रुपए को प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या कहलाता है? मार्कअप। सर इसी 5 रुपए के प्रॉफिट को, इसी 5 रुपए के प्रॉफिट को, इसी 5 रुपए के प्रॉफिट को अगर तुम शो करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये क्या कहलाता है? मार्जिन। 5 / 15 × 100, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 33% बनता है, फ्रैक्शन में ये 1/3 बनता है, डेसिमल में 0.33 बनता है। तो हमने सर सीख लिया कि मार्कअप और मार्जिन ये बिजनेस टर्म्स नहीं है, दीज आर द अकाउंटिंग टर्म्स,
तुम्हारा बिजनेसमैन इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट, बिजनेसमैन ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे को इतना मार्कअप चाहिए मेरे को, वो बोलेगा भाई इतने की चीज है इतने में मुझे बेचनी है, इतने का प्रॉफिट चाहिए। अब अगर उस प्रॉफिट को तुम शो करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या कहलाता है? मार्कअप। अगर उसी प्रॉफिट को तुम शो करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो वो क्या कहलाता है? मार्जिन। तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछता है कि यार ये मार्कअप या मार्जिन क्या है, तुम क्या बोलोगे? ये प्रॉफिट है, बस दिखाने का तरीका अलग है। अगर तो इस 5 रुपए को प्रॉफिट को तुम शो करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या कहलाता है? मार्कअप। अगर इसी प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ मार्जिन सेलिंग प्राइस शो करते हो, तो ये क्या कहलाता है? मार्जिन। अच्छा सर, ये करते क्यों है, वजह क्या है? एक्चुअली देखो, दिस इज रेशियो एनालिसिस। बाजुकात हम परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे होते हैं कि यार हमने कितना पैसा लगाया तो हमें कितना प्रॉफिट मिला। तो मार्कअप के अंदर तुम ये देखते हो कि तुमने कितनी कॉस्ट लगाई तो उसके ऊपर तुम्हें प्रॉफिट कितना मिला। तो मार्कअप में तुम बोलते हो कि 50% मार्कअप का मतलब है कि ये कॉस्ट का 50% है। यानी अगर मैं 2 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, मैं 3 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो मुझे 50% का मार्कअप मतलब 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर मैं 5 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो मुझे 2.5 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर मैं 10 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर मैं 15 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो मुझे 7.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। 50% यानी जितना भी पैसा लगाओगे तुम उसके ऊपर 50% तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो दिस इज अ रेशियो। तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? सिमिलरली मार्जिन भी प्रॉफिट दिखाने का तरीका है, मगर वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस है। यानी मैं बोलता हूं कि यार ये 15 रुपए है ना, अगर ये 15 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसका 1/3 हिस्सा जो है 1/3 जो है 1/3 जो है ये प्रॉफिट है। यानी अगर मैं 15 रुपए का माल बेचता हूं, अगर ये मैं 15 रुपए की सेलिंग प्राइस है, तो मैं बोलता हूं इसका 1/3 हिस्सा जो कि बनता है 5 रुपया, ये क्या है? प्रॉफिट है। बाकी जो 2/3 हिस्सा है वो क्या है? कॉस्ट है। ये दिखाने का तरीका है, इट्स अ परसेंटेज। तो आई होप तुम मार्कअप और मार्जिन में फर्क समझ गए। अगर तो तुम प्रॉफिट को ऐसा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शो करते हो तो ये मार्कअप कहलाता है, अगर वही प्रॉफिट को ऐसा परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस शो करते हो तो वो क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। मुझे लिख के बताओ, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करवा रहा हूं, इसके ऊपर फोकस रहना है तुम लोगों ने। सर देखो यार, बचपन में जो है हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम लोग जो है वो करते थे कि सर सर अच्छा कॉपी करें, कॉपी कर लो। प्रॉफिट, कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। कॉपी कर लो तो मैसेज करो। आयशा क्या रिपीट करूं बेटा, मोहम्मद अहमद सही है। कॉपी कर लिया? और बच्चे कंफर्मेशन करो, कॉपी कर लिया? अच्छा देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो आयशा मेरा बच्चा, ये जो तुम लेट से कहना है, ये 10 रुपए की कॉस्ट है, एक मार्कर है जो तुम बेचते हो 5 रुपए का प्रॉफिट रख के, यानी उसके ऊपर नफा रख के, तो तुम्हारी जेब में कितना जाएगा सेलिंग प्राइस? 15 रुपया।
अब ये 5 रुपए का प्रॉफिट है ना, अगर मैं इसको एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शो करूं तो ये कहलाता है मार्कअप। अगर इसी 5 रुपए को एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज मैं एज अ परसेंटेज ऑफ 15 शो करूं तो ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। सही? यानी अगर मैं 5 को डिवाइडेड बाई 10 करूं और इंटू 100 करूं तो 50%। ये 50% ये बता रहा है कि यार मैं कॉस्ट का जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, अगर मैं कॉस्ट से कंपेयर करूं तो वो 50% है। यानी अगर मैं 10 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो उसका 50% 5 रुपया प्रॉफिट कमाता हूं। मार्जिन का मतलब है कि मैं देखता हूं कि मैं सेलिंग प्राइस कितना माल बेचता हूं तो उसमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा होता है। अगर मैं 15 रुपए का माल बेचता हूं तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा होता है 5 रुपए का, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 15, 1/3, 1/3। क्लियर है आयशा? मोहम्मद अहमद क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग और देखते हैं, डोंट वरी इन मोहम्मद अहमद, तो जो है इसके ऊपर हम लोग फर्दर बात करते हैं। सही है? अरे 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 अरे, अरे। नीचे क्यों नहीं हो रहा? आज अच्छा सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रहा हूँ, इसको बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना और ये साथ साथ कॉपी भी कर लेना। बेस हमेशा 100% होती है। मार्कअप में बेस कॉस्ट होती है। अगर 3 आइटम्स की इक्वेशन हो और 3 किसी भी इक्वेशन में अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो जो अमाउंट दी गई हो उस अमाउंट को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करें। अभी कॉपी कर लो फिर समझाता हूं। और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। बी कैलकुलेट करना है तो ए को डिवाइडेड बाय ए की परसेंटेज इनटू बी परसेंटेज। बी रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, ये ए की गिवन अमाउंट है। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, अभी छाप लो। और ये ए परसेंटेज जो है
अभी लिख लो फिर समझाता हूँ। पता नहीं घर आज इधर ही तो वहां क्यों नहीं, वहां पर कौन रहता? ड्राइवर है सर, वहां रहता। ड्राइवर अकेला रहता? अच्छा गाँव ही जा रहा था? गाँव से अभी तो आया। अच्छा मैं तो मतलब तू वहीं रहता है? गया था तीसरे महीने से 16 तारीख। अच्छा तकरीबन 1 महीने आए थे। अच्छा 20 तारीख को आए थे। 4 मजा आया गाँव में? तेरे कौन सा गाँव है? सखर। सखर में तो मैंने सुना था काफी केसेस हैं, ये कुछ भी नहीं है। लाइक का सखर है कुछ अंदर रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हो ना? सुकून है यार वहाँ, सुकून है। हाँ सर लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ भी नहीं था बिल्कुल। हाँ यार गाँव का था ना इससे। मैं तो यही दिल करता है यार, जाओ उधर सुकून कुछ दिन रहो। आओ ना सर कभी हाँ यार चक्कर लगा लो। नहीं इंशाल्लाह करेंगे यार, चक्कर लगाएंगे ईद पे इंशाल्लाह। जो है ना ये चीजें एरिया को जाना मेरा, यही तो जरा जाऊँ इस तरफ, ग्रीनरी होगी ना हर तरफ। हाँ क्या उधर का क्या है, कोई अच्छा खाने में फूड कौन सा अच्छा होता है वहाँ? यहाँ सब्जियाँ होती हैं, आम होते हैं सब्जी उन लोगों के ख्याल भाई, से? आम आम होते हैं, जून जुलाई में भी लगेंगे यहाँ। कौन से आम वहाँ होते हैं? सिंदरी, हर आम से वहाँ अनवर अटोल होता है? सब कुछ सर। सिंदरी होता है, अनार होता है, लसना होता है, चौसा होता है, अच्छा सारे आम की कसम वहाँ। पता अच्छा नहीं कितनी किस्म आम खजूर। मैंने सुना इतना अच्छा आम तो होता है वो, यहाँ तो आता ही नहीं कुछ आम, बार बार बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ तो जो बचा कुछ होता है वो आता है। तुम लोग हैं फसलें हैं आम की? नहीं आम की फसलें? अच्छा ठीक है, बहुत लगाना महंगा महंगा पड़ेगा? नहीं यानी उधर नहीं लगाने में क्या काफी खर्चा है? बल्कि हमारे से जमीन नहीं है, अच्छा सही सही। इससे दूसरों को तो लगे बड़े बड़े जो अमीर अमीर है उनके तो सारे बड़े इतने बड़े इतने रहे हैं ना। इतने इतने आम लगे हुए हैं, 80 से ज्यादा, सारा जमीन गया तो सारा जमीन आम ही आम। मेरा एक दोस्त है, मैं तुझे ले चलूंगा, तू मुझे घुमाना भी वहां, तो वहां हम लोग रहेंगे, हवेली में रहेंगे। सही सही बात है। किस जगह पे है, पता नहीं यार, वो बार बार बुला रहा होता है मुझे, मैं जाता नहीं, टाइम ही नहीं होता है। जगह कौन सी है, कहाँ पता नहीं का बस है? इधर ही, पता नहीं लाड़काना है इधर, नहीं पता। अच्छा यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ, पढ़ लेते हैं सर, बात करते हैं। गिवन अमाउंट, अच्छा सर ये इसका मतलब क्या है? ये आपने उर्दू में बैठना, तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा 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 सर हम लोग बात कर लेते हैं जो है सर, इसका मतलब क्या है? किसी भी इक्वेशन में अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो जो अमाउंट दी गई हो उस अमाउंट को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करें और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। अच्छा सर ये आपने लिखवा तो दिया है, जरा समझा तो दें इसका मतलब क्या है, आओ जरा हम लोग समझते हैं इसको। अच्छा जरा एक बात तो बताओ, सब सब कुछ छोड़ के इधर मुतवज्जे हो जाओ, हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लो, आओ मैं तुम लोगों को एक जो है ना मैथमेटिकली जो है वो तुम्हें सिखाऊं। हाथ में कैलकुलेटर सबने पकड़ा हुआ है? हाथ में सबने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है? बताऊंगा ना बेटा, फिर मोहम्मद तो रिमोट से पहले भाग रहा है। अबे भाई सबर कर जा यार, रिमोट से पहले क्यों भाग रहा है मोहम्मद, सबर कर जा। अच्छा यार हाथ में सबने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है। अच्छा जी सर आए, एक्सेल का ओपन किया हुआ है भाई, ये नोट नोट ओपन किया हुआ है एक्सेल। अच्छा चलो सही, हाँ हाँ तुमने किया हुआ है ना, सही है। अच्छा सर तो मुझे एक बात बताओ, ये है लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरी जेब में है 1,000 रुपए, ये इन रुपीज है, बहुत गौर से सुना, बहुत सोने की बात बता रहा हूँ सर। लेट्स से मेरी जेब में है 1,000 रुपए। अच्छा याद रखो जो तुम्हारी टोटल अमाउंट होती है ना उसकी परसेंटेज कितनी होती है, ये तो तुम्हें पता, उसकी परसेंटेज होती है 100, ऐसा है या नहीं है? यानी अगर मैं बोलता हूँ ये 1,000 रुपया टोटल है तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? 100%। मैं बोलता हूँ इस 1,000 का 10% निकाल के दो, इस 1,000 का 10% निकाल के दो तो कितना होता है? 2।
मैं बोलता हूँ इस 1000 का 20% निकाल के दो तो कितना होगा 200। मैं बोलता हूँ इस 1000 का 25% निकाल के दो तो कितना होगा 250। मैं बोलता हूँ इस 1000 का 30% निकाल के दो तो कितना होगा 300। मैं बोलता हूँ इस 1000 का 50% निकाल के दो तो कितना होगा 500। बोलता हूँ इस 1000 का सर मैं बोलता हूँ सर इस 1000 का जो है लेट से 80% निकाल के दो तो कितना होगा 800। मैं बोलता हूँ सर इस 1000 का 90% निकाल के दें तो कितना होगा 900। सर माशाल्लाह हम इसमें जीते तो हैं मगर हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पता। मैकेनिज्म नहीं पता, वो मैकेनिज्म समझते हैं। आओ मैकेनिज्म समझते हैं बहुत गौर से। पता ये इसके पीछे हो क्या है समझो। सर तुम्हें कौन सी अमाउंट गिवन थी? तुम्हें थी 1000 रुपया गिवन था। मुझे बताओ इस 1000 की रिस्पेक्टिव परसेंटेज कितनी है? 100% रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब तुम्हें जो भी अमाउंट चाहिए ना तुम उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इधर लेट से तुम्हें 10% चाहिए, 1000 का 10% चाहिए, तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 100 ही आएगा। नहीं सर नहीं समझ में नहीं आया, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर एक्चुअली ये जो तुम फिगर्स निकाल रहे हो ना उसके पीछे ये प्रोसेस चल रहा है। मैं बोलता हूँ नहीं सर मुझे 1000 का 20% चाहिए, 1000 अमाउंट है उसका परसेंटेज क्या है 100। तुम कितने परसेंट चाहिए? 20% इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, देखो 200 ही आएगा। सर तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? सर आओ एक और। नहीं सर नहीं नहीं तुक्का लग गया, समझ नहीं आया, वापस समझाए। सर लेट से ये 1000 है सर, मुझे बता निकाल के दें या 50%। अच्छा इसको डिवाइडेड बाय उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से किया तो मुझे क्या चाहिए 50%, मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 500। सर ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। आओ मैं तुम्हें इस 200 रुपए से पकड़ा के बताता हूँ। मुझे बताओ ये 200 रुपया है, मैं बोलता हूँ ये 200 रुपया किसी चीज का 20% है, मुझे वो चीज निकाल के दो। ये 200 रुपया किसी चीज का 20% है, मुझे बताओ ये 200 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ ये 200 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख के बताओ ये 200 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 20% को। ये किसी चीज का 20% है, मुझे क्या चाहिए? वो चीज चाहिए। वो चीज कितने परसेंट होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, देखो 1000 ही आएगा। नहीं सर नहीं नहीं तुक्का लग गया, समझाएं वापस। अच्छा मैं बोलता हूँ ये 200 किसी चीज का 20% है, मुझे उस चीज का 25% निकाल के दो। 200 कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 20। मुझे कितना चाहिए? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, देखो 250 ही आएगा। देखो 250 ही आ रहा है। नहीं सर नहीं समझ आया, वापस बताएं। लेट से मैं बोलता हूँ ये 200 किसी चीज का 20% है, मुझे उस चीज का 50% निकाल के दो। ये 200 किसी चीज का 20% है, मुझे उस चीज का 50% निकाल के दो। तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है, 200 कितने परसेंट है? 20% है, डिवाइडेड बाय 20 किया, मल्टीप्लाई बाय 50 करो, देखो 500 पे ही बैठोगे। समझ आया? नहीं सर नहीं 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 समझ आया सर, तुक्का लग गया। आओ सर कोई मसले वाली बात नहीं है, इस 500 को पकड़ो। ये 500 किसी चीज का कितने परसेंट है? ये बोलो ना 500 किसी चीज का कितने परसेंट है? ये 500 किसी चीज का कितने परसेंट है? 50% है। मैं बोलता हूँ मुझे उस चीज का 80% निकाल के दो। 500 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 80, देखो 800 ही आएगा। नहीं सर नहीं 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 सर तुक्का लग गया, ये आपने ये क्या किया है सर? 90% निकाल के दें इस 500 से 90%, देखो 500 किसी चीज का 50 है, मल्टीप्लाई बाई 90 किया, देखो 900 आ रहा है। आफा का हुआ। अब ये जो उर्दू में मैंने चीज लिखवाई थी इसको पढ़ लो, ये जो उर्दू में मैंने चीज लिखवाई है ना इसको पढ़ लो। किसी भी इक्वेशन में अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो जो अमाउंट दी गई हो, हमारे केस में 200 था, ठीक है, उस अमाउंट को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करें और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। खुश हो या नहीं हो? ये तुम लोग जो बचपन में रट्टे लगाते थे ना कॉस्ट कर्व वाला फार्मूला या सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला, अब तुमने रट्टे नहीं लगाने, इसको लॉजिकली देखना है, इस चीज को याद रखना। ये जिंदगी भर तुम लोग दुआएं दोगे, मैं अपने टीचर को दुआएं देता हूँ, यकीन करो इसके अंदर मार्कअप मार्जिन ये तुम जिंदगी भर तुम्हें याद रहे, ये मार्कअप मार्जिन तुम जितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, जितने भी पुराने चावल हो जाओ, बूढ़े भी हो जाओ, ये मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो एक तो था कि फॉर्मूला रट्टा लगवा के करवाता, सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, एक तो था रट्टा लगा के करवाता तुम लोगों को,
और दूसरा था बड़ा लॉजिकली तुम लोगों को करवाता, तो ये जिंदगी भर तुम लोग दुआएं दोगे इस पर, तो इसको तुम लोग जो है और फर्दर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में बाकायदा मैं इसके ऊपर ड्रिल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी शैल बी हैविंग अ फर्दर डिस्कशन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने बताना था कि बेटर कौन सा है, मार्कअप और मार्जिन। फरिया, मेरा बच्चा कोई भी बेहतर नहीं है, मार्कअप और मार्जिन ये कोई बिजनेस का टर्म है ही नहीं। मार्कअप और मार्जिन इज जस्ट अ रेशियो, ठीक है। बिजनेसमैन इज लीस्ट कंसर्न अबाउट कि ये मार्कअप कमा रहा है या मार्जिन कमा रहा है, ठीक है। तो कोई और सवाल है तो मुझसे पूछो, वरना फिर हम लोग जो है साइन ऑफ करते हैं। ये मेरा मोबाइल है ना, देखा गिर गया, कोई सवाल है तो कर लो वरना फिर हम लोग साइन ऑफ करें। पता नहीं, रुक मैं क्लास ऑफ करके तुझसे बात करता हूँ। सर कोई सवाल? सर कोई सवाल? चलो फिर अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। कल हम लोगों की क्लास है, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। हाँ मुन्ना, अब बोल।